देखिए यहाँ पे क्या करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सब जगह दिख ही रहा है आप लोगों को, तो सिर में दर्द करने वाली चीजें हैं। आप ये कर सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने अलग से बना लिया होगा, उससे भी कुछ पता नहीं लग रहा है, है ना? तो आपको क्या मतलब, अगर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग ए लिखा है और वो एक्लिन फॉर्म बनाने की कोशिश की है, तो भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यूज तो आपको डालनी पड़ेंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डाल के देखनी पड़ेगी, पहले ही देख लो ना, पहले देख लेते हैं। अरे समझ गए ना, ट्राई करने इसलिए ट्राई करवाया था। अगर किसी स्टूडेंट ने एज इट इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख के उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है सिवाय इसके कि हम ये वैल्यूज उसमें डाल के देखें। पहले देख लेते हैं, जरा साथ आइए, कॉपी करना बंद कीजिए, एक एक पार्ट होगा अभी। और फॉर्चुनेट चीज है, पहला वन के लिए, अगला टू के लिए, और लास्ट दोनों पार्ट -2 के लिए, मतलब तीन ही चीजें ट्राई करनी है। बहुत टाइम लगेगा सर, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। देखो यहाँ यहाँ पे टू है, टू है, इधर वन है, वन है, तो वैसे ही जीरो आराम से बन जाए, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, फॉर ए इक्वल टू वन, जरा साथ दीजिए आप सभी लोग। हाँ हम ऐसे ही करेंगे। नहीं सर, बहुत टाइम लगेगा, तुम टाइम बचाओ सूर्य कुमार यादव की तरह। ए बाय बी, यस ए वन है, लेट मी राइट दैट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक्चुअल में गया था ताकि गलती ना हो जाए। ए ए जीरो ए प्लस टू, यही बना आप लोगों का, साथ दीजिएगा कोई बात नहीं। उसके बाद वन ए ए माइनस वन ए माइनस फोर, देन ए ए ए माइनस टू माइनस एट, भाई ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसी में आपने ए को वन डाल दिया। जब ए को वन डाला तो ये बना आपका वन वन, साथ दीजिए कोई बात नहीं। ये क्लासिकल क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सच में। वन वन जीरो एंड दिस इज वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, देन वन 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 माइनस टू इज माइनस वन एंड दिस इज माइनस एट। अब ये सिस्टम आपको एग्जामिन करना है, इसकी हेल्प से तो ये जीरो बन ही जाएगा, अगर अगर ठीक लिखा है हमने तो। सब कुछ आपके सामने है, कुछ याद करके नहीं लिखा जा रहा है। जीरो जीरो, हाँ जी, वन माइनस वन जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये माइनस सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वह ये जीरो हो गया, वन माइनस वन, ये भी जीरो, ये माइनस वन एंड दिस इज माइनस का इलेवन। फिर साथ दीजिए आप सभी लोग, बस 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 ए को देखो। अरे भाई काहे दिल तोड़ रहे हो यार, वैसे संडे को फ्रैक्चर हो गया था दिल में। यहाँ ये जरा ये देखिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये दोनों तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एल आई आपको ढूंढना है तो पहला कॉलम और थर्ड कॉलम ही एल आई है। व्हाट इज रैंक ऑफ ए? टू, बट वहां तो यू नो आई थिंक यू यू कैन सी, एनीबडी कैन सी, एनीबडी कैन सी, सो इट इज रैंक ऑफ ए दैट इज टू, बट व्हाट इज रैंक ऑफ ए बाय बी? थ्री। थ्री सर, तीन कैसे? देखिए एक कॉलम ये इंडिपेंडेंट है, ये और वो तो है ही, ये माइनस सिक्स इनसे तो कभी भी नहीं आएगा ना भाई। अब ये बताइए जीरो 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 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स है, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है ये वाला कॉलम किसी से भी नहीं आने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं अब डिपेंडेंस क्राइटेरिया, तो रैंक ए दो है, रैंक ऑफ ए बाई भी तीन है, जब ये मैच नहीं करते तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको ट्राई करने के लिए इसीलिए बोला था, तो पहला गलत हो गया, इसको कॉपी करो पहले, एक एक पार्ट ऐसे ही होगा। हर बार नहीं होता ऐसा, कई बार क्या होता है कि सिस्टम लिख के ही समझ में आ जाता है, बट यहाँ तो दिख रहा है कि वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब वन के लिए ट्रू नहीं है, अब दूसरे वाले के लिए कर लीजिए। दूसरे में सेकंड पार्ट में कितना है? टू। सारा करते हैं अभी, और जो लोग थोड़ा फास्ट है अच्छी बात है, होना भी चाहिए। टू टू जीरो ओ, वन टू वन माइनस टू, टू टू जीरो माइनस एट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये मैट्रिक्स जरा अच्छे से देखिए, पहला रो दो का मल्टीपल लास्ट वाला भी हो जाएगा, और ये यहाँ वन हम थोड़ा प्रेफर करते हैं, यहाँ वन है, इसको सेकंड वाले रो को टच करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा बात, या तो इंटरचेंज कर लीजिए, नहीं तो ये वन हो जाएगा ना टू से डिवाइड करके, तो इतना काम तो कर सकते हैं। हमें एक्लन फॉर्म के लिए टॉप पे वन चाहिए, तो लेट मी मेक इट वन वन जीरो टू, ये बन गया आपका वन टू वन माइनस टू। लास्ट वाले का भी यही करिए, वन वन जीरो माइनस फोर, देखिए जरा क्या आएगा, आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वन वन जीरो टू
जीरो जीरो, सो टू माइनस वन इज वन, ये वन, ये माइनस का चार, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो जीरो, माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस सिक्स, आइए दिस दिस एंड दिस, अगेन वही प्रॉब्लम, रैंक ऑफ ए आपको दिख रहा है सब सब दो है, नहीं व्हाट इज रैंक ऑफ ए बाय बी, तो यहाँ तो नो सॉल्यूशन है, बाहर आई हुई है सॉल्यूशंस की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बकवास, अब तो कर दो सी पार्ट और डी पार्ट, सी और डी में कुछ नहीं करना, अलग से नहीं एग्जामिन करना आपको, सिंपली ए को माइनस टू रखना है, भाई मेरे को सबसे सॉल्यूशन चाहिए आप सबसे, ये आप लोग ये नहीं समझिएगा कि एग्जाम में तुम्हारी कैलकुलेशन चेक करेगा कोई, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, लेकिन इतनी आगे तक आए तो कैलकुलेशन सबको आती है, अभी भी लोग इसी गलत फहमी में कि डबल ट्रिपल इंटीग्रल वाला कैलकुलेशन, तो वो नहीं मैटर करते यार, इतनी आगे बढ़ चुके हो आप, स्किल डेवलप करिए, स्किल कैलकुलेशन में डेवलप कीजिए, वो हो तो हो ही जाती है, हाँ जी, ए कितना लेना है अब आपको, माइनस टू, तो इट इज माइनस टू, माइनस टू जीरो जीरो, बढ़िया, वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्स, ठीक है ना, माइनस, हाँ ठीक है, दिस इज माइनस का टू, अगेन माइनस टू माइनस फोर माइनस एट, कुछ बन रहा है, ये हो जाएगा स्केल, ये भी हो जाएगा स्केल, बीच वाले को छोड़ दीजिए, वन वन जीरो जीरो, वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्स, एंड ये वन वन टू फोर, भाई एंट्रीज थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अभी इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आइए देखें जरा कुछ हो पाएगा या नहीं, गलत हो तो बता देना, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स, यस माइनस करना है जीरो टू, हाँ जी ये पूरा स्केल हो जाएगा आपका, जीरो वन वन टू जीरो जीरो टू फोर, तो ये टू फोर को भी स्केल कर लेते हैं, दिस विल बिकम वन टू, दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक अब तो कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं, रैंक ऑफ ए तीन है तो ए बाई बी का भी तीन से ज्यादा तो हो नहीं सकता था, दोनों का रैंक मैच कर रहा है, रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तीन है ना नंबर ऑफ अननोन्स, ऐसा होता है तो क्या होता है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको कुछ सिखा रहा होगा कि भाई एग्जाम में मतलब अप्रोच तो लेनी पड़ेगी, वो वाला काम नहीं करना जो अभी परसों हुआ था कि फाइनल एग्जाम है और बस, ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन ऐसे होता है कोई वैसे होता है, आपके पास अप्रोच तो है कि भाई चलो अगर क्वेश्चन वैसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेते हैं ऑप्शंस ले लेके, अब ये सोचना कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा भाई वो नहीं, वो संभव नहीं है, एग्जाम नाम ही इसी चीज का है, सबको क्लियर हो गया विच पार्ट इज करेक्ट,